एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं भरवा मसालेदार जो तौरी है वो कैसे बनाती हूँ। तो सुबह सुबह ये तौरी आ गई थी, इनको धोकर अभी अच्छे से रखा हुआ है और अभी ये थोड़ा सा सूख जाए फिर उसके बाद बनाऊंगी। सबसे पहले तो ये बर्तन को सेट करने का काम कर लेती हूँ। गर्मी बहुत ही ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा, इसलिए आजकल आप मेरे जो कपड़े हैं ना, मतलब कल वाले वीडियो में भी देखा होगा और आज के में भी आप देखेंगे, ऊपर तो मैंने बढ़िया वाला टॉप पहना हुआ है और नीचे सिंपल सा मैंने लोअर डाला हुआ है। वो इसलिए क्योंकि जीन्स वगैरह अगर आप पहनते हैं ना, और मतलब टाइट फिटिंग वाले कपड़े, तो वो बहुत गर्मी देते हैं और अभी भी मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ये थोड़ा सा ब्लू ब्लैक सा है ना, इसमें भी बहुत गर्मी लग रही है। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि हम लोग टॉप फ्लोर पे रहते हैं जहाँ पे ना बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। अगर मैं कोनों में हर जगह अपने घर के ना केक रख दूं तो सच में इतना अच्छा बेक होगा ना, पूछे मत। क्योंकि एकदम ऐसा ही हाल हो रहा है जैसे कि माइक्रोवेव ओवन में होता है ना, आप जब बेक करते हैं बिल्कुल वैसे ही टेम्परेचर, वैसा ही फील हो रहा है, बिल्कुल हालत खराब है। अभी विवेक बिग बास्केट से सामान लेने के लिए जाने वाले हैं और उसमें ना वो क्योंकि ना अभी गेट के पास आ रहा है, मतलब हमारे घर तक नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने बताया आपको हमारी जो सोसाइटी है वो सील हो चुकी है। तो विवेक को बहुत सारा सामान लाना है, बिग बास्केट से जब भी हम मंगाते हैं तो काफ़ी सारा सामान मंगवा लेते हैं, मतलब महीने भर का। तो फिर अब वो एकदम से मतलब 30-35 किलो सामान हो जाता है और विवेक उसको कैसे लेकर आएंगे। मैंने कहा फिर विवेक को, मैंने कहा आप ऐसा करो सूट केस लेकर जाओ, उसमें सामान भर के लेकर आ जाना। तो विवेक ने जो सूट केस निकाला ना, वो रेड वाला है जो ना छोटा है सूट केस। तो उसमें क्या होता है कि मैं जब भी मम्मी के घर जाती हूँ ना तो वो छोटा वाला ही सूट केस लेकर जाती हूँ, उसमें मेरा और तवीशी का सामान आ जाता है। मम्मी के घर मैं ज़्यादा टाइम के लिए नहीं जाती हूँ, 2-3 दिन के लिए जाती हूँ तो उतना हमारे उसमें कपड़े आ जाते हैं। तो विवेक ने अभी वो सूटकेस निकाला ना तो मेरे को वही याद आ गया कि ये समर वेकेशन ऐसी ही होती हैं और इस वक्त हम यही सूटकेस लेके जा रहे होते हैं। तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मैं मायके जा रही हूँ ये रेड वाला सूटकेस लेकर। आ गया सामान बिग बास्केट से, ये आटा मंगाया है और ये सारा सूट केस है ना, इसके अंदर भी बहुत सारा सामान है। ये आइडिया बहुत अच्छा है। आपको भी अगर आप सोसाइटी में रहते हैं, ये मेन गेट पर आपको जाना पड़ रहा है ना और आपको सामान लाना है, सूट केस में भर के ले आओ, बहुत ही आसान रहता है। बस ये सूट केस फिर अब हम यूज़ नहीं करेंगे काफ़ी दिनों तक, सिर्फ इसमें सामान ही आएगा और इसको हम अलग ही रखेंगे स्टोर रूम में। बस ये सामान लाने के लिए आजकल यूज़ हो रहा है। आसानी से ले आए, इसमें तो उठाना नहीं पड़ता ना। पिछली बार ये लेकर गए थे बहुत टाइम लग गया था, 35 किलो करीब सामान था, उठा ले गया था। ये ना इसका बिग बास्केट का ये रॉयल राइस है, ये बहुत ही अच्छा है, मैं इसे यूज कर रही हूँ। रोजाना राइस, हाँ रोजाना नहीं, रॉयल लिखा हुआ है, रॉयल नेचर फाइनेस्ट सेलेक्शन, मतलब बहुत ही अच्छा है ये चावल, तो मुझे पसंद आया। कितने रुपए किलो का है ये? ये 5 किलो का पैकेट, 369 का। वाटर फिल्टर का पानी ना मैं इस वाले डब्बे में रखती हूँ, ये विवेक का ना प्रोटीन पाउडर का डब्बा था, इसी के अंदर सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर क्लीनिंग में यूज कर लेती हूँ और इसको बंद करके रख लेती हूँ। जब भी जरूरत होती है तो अपना खोला पोछा वगैरह लगा लेती हूँ और भी बहुत सारे कामों में यूज कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो ये जो तौरी हैं इनको छील लेना है। तो
तौरी सभी छील चुकी हैं, अब मैंने इन्हें कट कर दिया है। जो बड़ी तौरी है उसको 3 पार्ट्स में और जो छोटी तौरी है उसको 2 पार्ट्स में मैंने कट किया। फिर उसको बीच में सेंटर में से कट लगा दिया ताकि इनके बीच में मैं मसाला आराम से भर सकूँ। अब मसाला बनाना है तो सबसे पहले मैंने हल्दी ली है और फिर इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डाला है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, और फिर धनिया पाउडर जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं खुद से पीसती हूँ, तो ये वही पाउडर है। और फिर इसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा गरम मसाला और फिर इसके अंदर मैं मिक्स करूँगी आमचूर पाउडर और इसके बाद नमक इसके अंदर मिक्स करना है और फिर मस्टर्ड ऑयल मैं इसके अंदर डाल दूँगी ताकि ये जो मसाला है आराम से ऐसा हो जाए कि मैं इसे इजीली सब्ज़ी के अंदर भर सकूं। तो हल्का सा मस्टर्ड ऑयल मैं इसके अंदर डालकर अच्छे से इस मसाले को मस्टर्ड ऑयल के साथ मिक्स कर लूँगी। मसाला बनके तैयार हो गया है और अब ये सेंटर में सभी तौरी के अंदर ये मसाला मैं भर दूँगी तो बहुत ही आसानी से बन जाती है ये जो सब्ज़ी है और ये चावल के साथ और दाल और चावल के साथ ये जो साइड डिश की तरह इसको खाना बहुत ही अच्छा लगता है। हालांकि मैंने नहीं बनाया और लेकिन आप ज़रूर बनाइएगा, जब भी आप ये तौरी बनाएं ना तो आप इसको दाल और चावल के साथ खाइएगा तो बहुत ही इसका स्वाद जो होता है ना दुगना हो जाता है। अब मैंने कढ़ाई के अंदर डाला है मस्टर्ड ऑयल, ये गरम हो गया। इसके अंदर मैंने ज़ीरा डाला, साबुत धनिया डाला, ऑप्शनल है आप चाहें तो साबुत धनिया ना भी डालें, और मैंने हींग डाला है। और फिर एक एक करके जो भरी हुई तौरी है ये इसके अंदर मैं डाल दूँगी और फिर इसको मैं पकाऊँगी और बीच बीच में मैं इसको चलाती भी रहूँगी, हल्का हल्का चलाना है नहीं तो सारी तौरी जो होंगी वो बिल्कुल टूट जाएंगी। और जो बचा हुआ मसाला है वो भी मैंने कढ़ाई में डाल दिया, इसको ढक दिया है और एक एक दो दो मिनट के बाद मैं इसको चलाती रही और ये पूरा 10 से 12 मिनट लेते हैं बनने में, पर बहुत अच्छी बनती है। जब तक तौरी बन रही है इधर मैं रायता भी बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने खीरा और टमाटर है उसे मैंने चॉप्ड कर लिया था, इसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा नमक और फिर काले मिर्च पाउडर और ये है पुदीना जो मैंने घर पर ही सुखाया था, इसको भी मैंने अच्छे से हाथों से क्रश करके इसमें मिला दिया है और फिर से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पुदीना हल्का सा डालो रायते में तो उसका टेस्ट ही अलग हो जाता है। चलिए अब देख लेते हैं तौरी बनके तैयार हुई है या नहीं। तौरी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, बिल्कुल जैसे बननी चाहिए उतनी ही परफेक्ट तरीके से गल गई है जितना इसको गलाना है। और बस अब मैं गैस को ऑफ कर दूँगी। तू भी खा ले आजा। नहीं अभी अभी खाना खाया था। क्यों खाया था बताओ, कितने बजे उठे हो? मैं 10:30 उठी है और उसके बाद मुझे बोलती है कि मेथी के पराठे बना दो। मेथी के पराठे खाए हैं मैडम ने और अभी से भूख नहीं लग रही है। पहली छुट्टी कैसे मन रही है तविश की, है ना? हाँ। बहुत कुछ हो रहा है आज। हाँ बस आज का दिन है, कल से देखो फिर एक्सरसाइज करवाऊंगी तुझसे। विशी ने तो दिन में खाना नहीं खाया था दोपहर को, क्योंकि उसने आज लेट उठी थी तो वैसे ही उसने लेट ब्रेकफास्ट किया था। तो फिर तविशी ने बोला था कि वो दाल चावल रात को खाएगी, इसलिए मैंने दाल चावल दिन में नहीं बनाए, मैंने सिर्फ ये सब्ज़ी बना ली। लेकिन आप जब भी बनाएं आप इसे दाल और चावल के साथ खाइएगा, सच में बहुत ही अच्छा लगेगा। तविशी यहाँ पे ना ओरियो की आइसक्रीम बना रही है, तो सबसे पहले हम ओरियो को क्रश करेंगे। तो अब हमारे ओरियो क्रश हो गए हैं और अगर इसमें चंक्स हैं तो कोई बात नहीं, फिर मतलब आइसक्रीम में चंक्स ठीक लगेंगे। तो अब हम थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ी बनानी है क्योंकि अपने लिए ज़्यादा खानी नहीं है आइसक्रीम। अब हम इसमें दूध डालेंगे। ओके तो अब हम इसमें दूध डालेंगे, इतना डालना है कि ये कवर हो जाए ओरियो।
हम लोग तो चॉकलेट सिरप डाल रहे हैं, आपको अगर कुछ और भी डालना है तो आप डाल सकते हैं। जैसे कि जैसे अगर आपको आलमंड्स वगैरह डालने हैं आप डाल सकते हैं, या फिर कारमल सिरप हो सकता है। और तविशी का फेवरेट है चॉकलेट, तो तविशी ने हर चीज़ में चॉकलेट चॉकलेट। हाँ, अब हम इसे मिक्स करेंगे। और मुझे ओरियो बिल्कुल पसंद नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया, काले काले बिस्किट्स, ऐसे लगता है जैसे कि ना कोयला है और उसके बिस्किट बना दिए। वाओ, बस ऐसे ही आइसक्रीम बन जाएगी तविशी की। ये बच्चों वाली आइसक्रीम है, बच्चों की रेसिपी। यस, अब हम इसे फीज करने के लिए रख देंगे, फिर चंक्स वाला ओरियो आइसक्रीम बनेगा जो बहुत टेस्टी लगता है। वाओ, ठीक है। शाम को देखेंगे फिर। यस। तो तविशी आज तो लेट उठे हो, आज तो मम्मा ने कुछ कहा भी नहीं, आज ही आज दिन आराम करा है तुमने, बहुत सारा आराम किया। एक ही दिन का आराम है, कल से बेटा देखना आप, कल से होमवर्क करना पड़ेगा। ये तविशी ने बनाया था, मैंने कम्युनिटी टैब पे शेयर भी किया था, मुझे बहुत ही क्यूट लगता है ये, कितना मासूम है ना इसका चेहरा, इसकी मासूमियत ही मुझे इतनी पसंद आई, मैंने इसे किचन में लगा लिया और मनी प्लांट इसके अंदर डाल दिया। आजकल गर्मी बहुत बढ़ गई है, ठंडा पानी तो बिल्कुल पीना नहीं है, तो गर्म पानी जो हम फिल्टर वाला पी रहे हैं ना, वो इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है ना, उसे प्यास ही नहीं बुझती, पेट भर जाता है लेकिन प्यास बिल्कुल भी नहीं बुझती है। हमने पहले सोचा था कि हम लोग जाके बाहर से एक मटका और ले आएंगे घड़ा पानी पीने का, और क्योंकि जो कहते हैं कि जो पुराना होता है ना, मैंने लास्ट ईयर जो ख़रीदा था, तो पुराना वाला जो घड़ा होता है ना वो इतना काम का नहीं होता, और फिर मैंने सोचा चलो एक नया और घड़ा ले लेंगे और पुराने वाले को मैं कहीं अपने प्लांट्स वगैरह लगाने में यूज़ कर लूँगी। वो बाहर ही रखा रहता है, जब उसका यूज़ नहीं था तो मैंने उसको उठा के बाहर बालकनी में रख दिया था, कि मैं कुछ दिनों में सोच रही थी उसका कुछ DIY करूँगी, अच्छा सा उसका पॉट वगैरह बना दूँगी प्लांट्स के लिए। लेकिन अब तो सोसाइटी बंद हो गई है, तो अब हम लोग बाहर जा नहीं सकते, इसलिए जो वो घड़ा है उसको मैं अब दोबारा से अच्छे से धोऊंगी और पानी पीने के लिए उसमें भरूंगी। देख लो कैसे कोई भी चीज़ जो हम यूज़लेस समझ लेते हैं ना, वो दोबारा यूज़ हो रही है। सोचा नहीं था कि मुझे दोबारा से ये मटका यूज़ करना पड़ेगा। पहले तो मैंने ये सोचा था, मतलब विवेक कह रहे थे कि क्यों तुमने बालकनी में रख रखा है, इसको उठाओ और कूड़े वाले को दे दो, और हमें तो नया ही लेना है। लेकिन देखो अब ये सीलिंग जो हो गई है, इसकी वजह से हम बाहर भी नहीं जा सकते। नया मटका ले आती, कुछ उन लोगों का भी, कुम्हार लोगों का भी भला हो जाता, और कुछ मेरा तो हो ही जाता, ठंडा पानी पीने को मिलता। अब मैं वही वॉश करने वाली हूँ अच्छे से, और फिर उसे दोबारा पानी भर के फिर यूज़ करूँगी। मैंने वैसे उसमें ना कल अच्छा साफ पानी मतलब भर के रख दिया था, वो सारा फेंक दूँगी, पौधों वगैरह में डाल दूँगी और फिर इसके बाद उसे धो डालूँगी। और तवेशी की आइसक्रीम अभी बनी नहीं है, अब आप ये मत सोचना कि तवेशी ने क्या रेसिपी शेयर करी, ऐसा कुछ नहीं है। तवेशी की छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं, बच्चों को एंकरेज करने के लिए, अगर वो कुछ भी काम कर रहे हैं ना उन्हें करते देना चाहिए, करते देना चाहिए, करने देना चाहिए, क्योंकि कुछ भी चीज़ों, कोई भी अगर बच्चा कोई चीज़ कर रहा है उसे रोकेंगे टोकेंगे ना, अगर उस चीज़ में कोई नुकसान नहीं है और वो अपने शौक से कुछ कर रहा है ना, तो उसे करने का पूरा मतलब उसको छूट देनी चाहिए, क्योंकि जितना हम सफ़र कर रहे हैं ना लॉकडाउन में, उससे ज़्यादा बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने दोस्तों से दूर हैं। कहाँ वो डेली स्कूल चले जाते थे, अपने दोस्तों से बातें कर रहे थे, और नहीं तो खेलने अपने दोस्तों के साथ बाहर ग्राउंड में चले जाते थे, और रिलेटिव्स वगैरह से भी होते हैं, अपने कज़न वगैरह से मिल लेते थे, लेकिन बच्चे तो अब बिल्कुल ही बंद होकर रह गए हैं। हम लोग तो फिर भी घर में रहते हैं, अपने दोस्तों से बात कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, बिज़ी हो जाते हैं, बच्चे किन के साथ खेलें, हमारे साथ थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, तो इसलिए उन्हें कहीं ना कहीं बिजी रखना है, और वो जो थोड़ा बहुत अपनी खुशी के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो करते रहने देना चाहिए। तो वो आइसक्रीम कोई ऐसी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ तविशी ने थोड़ी सी अगर अपने लिए जमाई है, वो खा लेगी उसको, अभी तो वो जमी नहीं, सिंपल सी जमेगी, आपको पता है जैसी उसने बनाई है। लेकिन ये है कि बच्चों को कुछ ना कुछ अब इस दौरान करना चाहिए, करने का ये है कि वो कुछ ना कुछ क्रिएटिव करें, अपनी कलनरी स्किल को एनहेंस करें, या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट का करें। वो करती रहती है तो मैं हर चीज़ अप्रिशिएट करती हूँ कि हाँ चलो अच्छा है, कुछ कर रही है। सारा दिन बच्चों को हम कंप्यूटर पर भी और टीवी पर भी मना करते हैं बैठने के लिए, फिर कुछ बनाने के लिए भी मना करेंगे, ये मत करिए, नुकसान है, ये नुकसान है, तो बच्चे चिढ़ने लग जाते हैं। तो वो चिढ़े नहीं, और थोड़ी बहुत चीज़ों को मना करना चाहिए, सारी चीज़ों को नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि ठीक है तुझे आइसक्रीम बनानी है तो ठीक है बना ले, जैसे तुझे करना है तू कर ले। अब जा रही हूँ मटका उठाती हूँ, उसको एक बार अच्छे से वॉश करती हूँ, और फिर
कल उसमें पानी भरूंगी, तब जाके हम तसल्ली से पानी पियेंगे। बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा पानी पीने में आजकल। और ये मेरा ट्राईपॉड है, इसको सेट कर रही हूँ। ये जो मटका है मैंने इसको बहुत ही अच्छे से धोया। पहले तो मैंने इसको सादे पानी से धोया, फिर इसके अंदर मैंने डिश लिक्विड डालकर और फिर इसको स्क्रबर से बहुत ही अच्छे से मांजा। और जब जिस वक्त मैं इसे मांज रही थी ना, उस वक्त इसमें से इतनी सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू आ रही थी ना, बिल्कुल दिल ऐसा खुश हो गया था ना। वो खुशबू जो होती है ना, मन को बहुत सुकून देती है। और ये मंच गया, लेकिन कहा जाता है कि जब मटका है उसके अंदर हाथ नहीं फिराना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि ये मटका काफ़ी दिनों से बाहर रखा हुआ था। अब यूज़ करना है तो इसे अच्छे से मांजना भी है। और ये अच्छे से मंच चुका है एकदम, इसमें चमक आ गई है। और बस अब मैं इसे बाहर रखने वाली हूँ, बाहर धूप में। और जब इसे अच्छी सी धूप लग जाएगी, अच्छे से ये सूख जाएगा ना, तो फिर इसके बाद हम इसे यूज़ करेंगे। आजकल कोरोना का ये जो सब चल रहा है ना, इसकी वजह से डर बहुत लगता है। तो हर चीज़ बहुत ध्यान से सोच समझ के उसको अच्छे से क्लीन करके यूज़ करने का मतलब सभी लोग यूज़ इसी तरीके से कर रहे हैं, नहीं तो फिर लगता है कि मतलब एक वहम सा हो जाता है। तो इसीलिए इसको अच्छे से मैंने मांजा और इसे बाहर धूप में रख दिया सूखने के लिए। तो बस यही था आज का वीडियो। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलूंगी जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।